हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर पर ही कैसे हम सोल्डरिंग आयरन बना सकते हैं। सबसे पहले सोल्डरिंग आयरन के लिए सोल्डरिंग बिट की आवश्यकता पड़ेगी। मैं कॉपर वायर की सहायता से सोल्डरिंग बिट बना रहा हूं। आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। मैं फ्लैट सोल्डरिंग बिट बना रहा हूं। आप डायरेक्ट कॉपर वायर को भी सोल्डरिंग बिट की जगह पर लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरी सोल्डरिंग बिट बनकर तैयार है। इसको कनेक्ट करने के लिए मैंने लोहे की दो चादरों को फोल्ड किया हुआ है और एक पीवीसी पाइप के टुकड़े को मैंने लिया है। मार्केट से परचेज किए हुए सोल्डरिंग एलिमेंट को मैंने लिया है। मार्केट से मुझे 20 रुपये में मिल गया था। सोल्डरिंग एलिमेंट के बीच में मैंने सोल्डरिंग बिट को लगा दिया है। अब जो लोहे के टुकड़े मैंने फोल्ड किए हुए थे उनके बीच में मैंने एम सील की सहायता से सोल्डरिंग बिट को व सोल्डरिंग एलिमेंट को मैं लगा दूंगा। आप देख रहे हैं कि मैंने एम सील यहाँ पे लगा दी है और सोल्डरिंग बिट जो मैंने तैयार की थी उसको यहाँ पे लगा दिया है। अब सोल्डरिंग एलिमेंट के बीच में मैं इस सोल्डरिंग बिट को फिक्स कर दूंगा। नट और बोल्ट की सहायता से मैं इन दोनों को मैं इस सीट के टुकड़े के साथ अटैच कर दूंगा और इसके ऊपर भी मैं दूसरे सीट के टुकड़े को लगा दूंगा। अब आप देख रहे हैं कि सोल्डरिंग रोड मेरी बनकर तैयार है। अब मैं इस सोल्डरिंग रोड को पीवीसी पाइप के साथ जोड़ दूंगा ताकि मुझे पकड़ने में भी इसको आसानी हो और गर्म भी न लगे। एम सील की सहायता से मैंने पीवीसी पाइप को और सोल्डरिंग रोड को जोड़ दिया है। आप देख रहे हैं पीछे दो तार हैं, यह सोल्डरिंग एलिमेंट की हैं। इन दोनों तार को मैं दूसरी वायर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। आप देख रहे हैं कि मैंने वायर के साथ एलिमेंट के दोनों तारों को कनेक्ट कर दिया है। अब मैं एक बोतल के ढक्कन को काट के इसके पीछे फेविक्विक की सहायता से अटैच कर दूंगा ताकि यह सोल्डरिंग आयरन देखने में भी अच्छा लगे। आप देख रहे हैं कि मैंने फेविक्विक की सहायता से इस प्लास्टिक के टुकड़े को सोल्डरिंग आयरन के पीछे की साइड में अटैच कर दिया है। अब मेरी सोल्डरिंग आयरन बनकर तैयार है। अब मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ यह काम कर रही है या नहीं। घर में आने वाली 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई से हम इस सोल्डरिंग आयरन को कनेक्ट कर देते हैं। आप देख रहे हैं यह सोल्डरिंग आयरन कितने अच्छे से काम कर रहा है और सोल्डरिंग वायर को भी अच्छे से मेल्ट कर रहा है। अब हम इस सोल्डरिंग आयरन से लोहे की दो चादर के टुकड़ों को भी वेल्ड कर चेक कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत कम समय में और बड़ी ही आसानी से इस सोल्डरिंग आयरन ने लोहे की दोनों चादर के टुकड़ों को वेल्ड यानी सोल्डरिंग कर दी है। तो आप भी इस तरह का सोल्डरिंग आयरन 30-35 रुपए खर्च करके घर पर ही बना सकते हैं और मार्केट में मिलने वाले 300-400 रुपए के सोल्डरिंग आयरन लेने से बच सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। भविष्य में इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करना भी न भूलें।